सुबह सुबह कौन सा राग छेड़ दिया ये, हैं? इतना दुख भरा आलाप लगा रहा है भाई। यहाँ पे जिंदगी दुख भरी हुई है और तुझे आलाप की पड़ी हुई है। थक गया हूँ यार मैं। थक गया तो छुट्टी ले ले, तेरे बिना दुकान ना चलेगी या उनके लहंगे ना बिकेंगे, शादियां ना होंगी। अबे तू कैसी बातें कर रहा है यार, अगर हमने छुट्टी ले ली ना तो सेठ जी इतनी जोर की हमारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, पूरी जिंदगी निशान रह जाएगा। और वैसे भी हम काम से थकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब मैं जिंदगी से थक गया हूँ यार। जिंदगी से थक गया? ओ भाई सुन, देख मैं तुझे आत्महत्या ना करने दूंगा यार, तेरे बिना तो मेरी यार गृहस्थी उजड़ जाएगी यार। अब मैं सफेद साड़ी में मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता यार, मैं तुझे मरने ना दूंगा यार। चुप कर, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पागल है क्या? कभी तो भावनाओं को समझा कर, कभी तो दोस्त बन, मेरे पास आ भाई, क्या हुआ, कैसा है, क्या हो गया, मुझे बता, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। मैं तेरा दर्द समझता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बता। दर्द है तो उड़ेल ले अपना दर्द। हट। अबे नहीं गाना हमें ये गाना यार, कुछ फील ही नहीं आ रही है यार। मतलब क्या है यार, संगीतकार बनने आए थे और क्या कर रहे हैं, मैं लहंगा बेच रहा हूँ और तू तू क्या कर रहा है, तू औरत बना हुआ है, तुझे तो शर्म के मारे क्या बोलूं मैं यार, क्या कर रहे हैं हम। अगर ब्रेक नहीं मिला ना बेटा, यही करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी, मैं बता रहा हूँ। अरे यार सुबह सुबह बोल यार, फालतू की बात ना कर, सुबह सुबह फालतू की बातें कर रहा है यार। अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर ना बन पाए तो हमारी जिंदगी तो पूरी उलट पुलट हो जाएगी। हाँ यार, सुनीता जी से शादी भी ना हो पाएगी। अबे तू पागल है क्या, ऐसे हालात में तुझे आशिकी सूझ रही है। और आशिकी से याद आया भाई साहब, वो बंटी याद है? बंटी? अरे बंटी वो फटा ढोल। हाँ यार, वही वो डड्डू जैसी शक्ल वाला। हाँ। जब खेतों में दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई गाय दौड़ रही है। ओ भाई, उसके गाने सुन के, उसकी आवाज सुन के मोहल्ले में कौओं ने भी आना छोड़ दिया था, इतना बेसुरा था वो। भाई साहब तुझे उसकी कहानी बताऊंगा ना तो बेटा भौचक्का का भौचक्का रह जाएगा। तेको पता है क्या किया उसने? क्या पता किया? है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? इंग्लैंड में इस समय, पूछ कैसे। कैसे? बंदे ने फिरंगी लड़की पटा ली और उसके बाद पता है क्या हुआ, वहीं पे चला गया, वहीं पे सेटल हो गया शादी करके। और अब उसकी बीवी ने उसके लिए एक एल्बम भी निकाली है, उसका नाम पता है क्या है? फटे ढोल दी बोटी। यार सही है यार, यार ये बंटी तो बड़ा चंट निकला। अबे ये कोई चंट पना नहीं है भाई, भाई ये समझदारी है, इससे पता चलता है बंदे में अकल है, हमारी तरह नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भगवान जी प्लीज हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमें प्लीज एक 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 फिरंगी लड़की से शादी के लिए बात करा दीजिए, कुछ तो ऐसा जादू कर दीजिए और बस हमारी एल्बम ये निकले, हम हिट हो जाएं प्लीज। अरे यार हिट हो जाएं, ऐसे फिरंगी लड़की का ऐसे मिल जाएगी, या तेरी दुकान पे बुलाएंगे खरीदने आएगी यहाँ चांदनी चौक में। यार तू हर बार, जब भी मैं कुछ भगवान से मांगता हूँ तू काटता क्यों? मैंने तुझसे मांगा, मैंने भगवान से मांगा ना, तो तू बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मैंने भगवान से मांगा ये। तो मांग मांग मांग। जय हो जय हो। जय हो प्रभु। हमें दे दो। हाँ इसे दे दो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आइए आइए मैडम जी, आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते जी जी। हम यहाँ पे लड़का खरीदने और लहंगा ढूंढने आए हैं जी। नाटे आप, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़, बट हमको हिंदी बहुत बहुत पसंद है। लव इंडिया, लव हिंदी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लड़के ढूंढने आए हैं और लहंगा खरीदने आए हैं। आप
फिक्र मत कीजिए, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है मैडम जी, बहुत प्यारी। नो 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 नो, मैं तुमसे नहीं, अल्लाह, कॉल मी अल्लाह। एला 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 एला, ओह जी जी एला जी। नाची आप, ऐसी बात नहीं है। आप एला जी, आपका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। नाची ऐसी बात नहीं है, जितने लड़कियों को हमसे दोस्ती करने का होता है ना, वो ऐसा लाइन मारते हैं, आई मीन बोलते हैं। नहीं नहीं अला जी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप खैर ये बताइए कि आपको किस प्रकार के लहंगे चाहिए, एक से एक लहंगा हम आपको दिखा सकते हैं। यस इलायची से रे गामा पा। Oh my god, how much I love India, how much I love Indie music, oh my god, especially the Pancham’s, sir. Oh, that is my favorite. Ella ji, hamara naam Pancham hai. Oh my god, Pancham? Ji, Pancham. Pancham? Pancham. Pancham? Pancham. Pancham, so cute. तो एक थरकते फरकते गाना हो जाए। जी ओ कुछ गड़बड़ बोली, बोला हमारी हिंदी बहुत गंदी गड़बड़, ओह माय गॉड सो सैड। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप गलत मत समझिए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वाओवी एक्चुअली हम यहाँ पर अपने एक लड़का ढूंढने आए। अच्छा वो लड़का जो बहुत अच्छा गाता हो, हमको हमको एक एल्बम रिलीज करने है उसका। अब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओह थैंक यू, वेलकम। वैसे आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा एला जी, आप मतलब माशाल्लाह। कोई भी? कोई भी। So sweet. हाँ। हमको ना बहुत मतलब बहुत 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 सारे अच्छे अच्छे लहंगे चाहिए। अच्छा। इंग्लैंड में वेडिंग है ना, शादी शादी जी है। जी जी जी। अरे वाह। अच्छा प्रणाम सेठ। हाँ कुछ रहे, ये हमारे सेठ जी हैं। ओके मैडम, ये तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत सही जगह में आई हैं। अरे छम छम, तू जल्दी से मैडम को बढ़िया वाला माल दिखा। पंचम नाटे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जैसी भी बात है, माल तो दिखा दे। हाँ हाँ जी, ये देखिए ना, ये वाला देखिए मैडम जी। ओफो क्या बात है, 2000 रुपए का। क्या बात कर रहा है तू, 20,000 का लगा 2,000 का बता रहा है। मैडम जी यहाँ देखिए, क्या ये लड़का अभी मैंने नया रखा है, इसको रेटेड का कुछ पता नहीं है, है? तो हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। हाँ वो काला वाला ब्लैक वाला वो 30,000 का है। oh. और ये देख रही है आप पीछे, ये ऊपर जो है लाइट ग्रीन, ये 50,000 का है। nice. सर जी एक काम करते हैं हम, मैडम जी ये वाला देखिए, ये जो पीस है ना, ये वाला भी दिखा देते हैं, ये जो है 10,00,000 रुपए का है, बहुत अच्छा है। क्यों पागल हो रहा है तू, वो 10,00,000 का ना है, 1,00,000 का है, ग्राहक को ज्यादा पैसे बढ़ा के नहीं बताना चाहिए। बात कर रहा है ये समझ रहा है तू, बाहर से आई है तो लूट लो इनको, है पाउंड के चक्कर में पागल। वेल वेल वेल, आपकी दुकान के बहुत सारे लेंगे मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। इतने अच्छे लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं रोज आके डिसाइड करूँ, इज दैट ओके विद यू ऑल? आफ्टर ऑल It's big fat English wedding. Not true. ऐसी बात नहीं है। Bye, Patch. Bye.
है अंकू? पंच निकनेम सेठ जी, निकनेम मतलब वो होता है ना निक्के वाला नाम, छोटे वाला नाम। अगर मैं समझा ला, जैसे मुरारी का मुरु मुरु। बात कर रहे हैं क्या? मुरु मुरु बात कर रहे हैं बेकार की। पंच काम कर ले, पंच पंच अभी कैंच के दूंगा तब काम कर। टाइम तरा टू टू डी अटू डी टू डी अटू तरा टू टू डी हाय। जीजी तो रो क्यों रही है भाई? मत पूछो छटंकी भैया, अपने घर की बातें मायके वालों को नहीं बताई जाती। ठीक है तेरी मर्जी, पकौड़े तो लेके आ कम से कम हमारे लिए। अरे छटंकी भैया एक बार और तो पूछ लो, क्या पता बता दूं। हाँ भैया बता दो, क्यों रो रही है भाई? अपनी किस्मत पे रो रहे हो छटंकी भैया। अरे रोने लगी, बता तो कम से कम। छटंकी भैया वो मेरी सहेली है ना सुनीता, वो पहाड़ों में घूमने गई। तो क्या गिर गई पहाड़ से? नहीं चटंकी भैया, वो लोग हर साल घूमने जाते हैं, और एक ये इलायची के पापा, जब भी घुमाने को कहो तो लाल किला ले जाते हैं। इतनी बार जा चुके हैं लाल किला कि अब तो वहां का वॉचमैन भी पूछने लगा, भाभी जी आप किले के अंदर ही रहते हो क्या? एक काम कर जीजा जी से पैसे निकलवा ले, मैं तुझे विदेश ले चलूंगा घुमाने के लिए, साथ से बाहर दोनों बहन भाई घूम के आएंगे। तो विदेश हूँ? अरे तुझे तो मालूम है इंडिया में कहीं भी जाऊंगा धर लिए जाऊंगा, तेरे भाई ने तो हर जगह झंडे लहरा रखे हैं अपने नाम के। अरे मेरा कहने का मतलब है तू घूमेगी या मुझे जमानत कराती फिरेगी? तो फिर कहाँ चलेंगे? एक काम करते हैं लंदन चलते हैं। अब क्या हुआ भाई, मैंने क्या कर दिया? चटंकी भैया हमें अंग्रेजी तो आती नहीं है ना, वहाँ पे कैसे बातचीत करेंगे किसी से? अरे पगली घूमने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, दोनों बहन भाई घूमेंगे, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर, खूबसूरत औरतें हैं, वहाँ देखेंगे चल के क्या बात है। अरे लेकिन काम चलाने जितना तो आना चाहिए ना, अब किसी से कुछ पूछना ताछना हो तो फिर अपन कैसे बोलेंगे? ये तो ठीक कह रही है, सीखना तो चाहिए मगर सीखें किससे ये तो बता मुझे। इलू इलू अरे सुनो, ए सुनीता बेटा। हाँ जी आंटी जी नमस्ते, या, या। कैसे हो? हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ, बैठ बैठ बैठ। कैसे हो मामा जी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तुझे पता है हम ना विदेश घूमने जा रहे हैं। अरे वाह कब? बस अंग्रेजी आते ही निकल जाएंगे हम बहन भाई। हाँ अब देखना विदेश जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी ना, हमें कुछ भी पूछना हो किसी से तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी, अब उतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए ना, तो तू सिखा देगी हमें? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं यार बिल्कुल है। आंटी जी, आंटी जी है मैं ना आपकी सारी सब्जी ले आई। अरे वाह। अरे आओ बैठो बैठो। हाँ नहीं नहीं आप बैठिए, वहाँ पे जगह नहीं है। अरे तो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे जगह। नहीं नहीं बहुत काम पड़ा है, टाइम नहीं है बैठने का। अच्छा हाय पिंटू भाभी, व्हाट्स अप, वेयर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ गए थे आप? बस स्टॉप है। बस स्टॉप क्या करने गए थे आज? जी मैं गई तो वो सब्जी लेने थी, लेकिन क्या ना इसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस स्टॉप की आती थी वो बता दी। कौन है भाई, कौन था, बाहर निकालो भाई। अरे अच्छा तो तुम आंटी जी मामा जी पिंटू भाभी, मैंने ना डिसाइड कर लिया, कल से मैं आप तीनों को इंग्लिश की ट्यूशन दूंगी, ठीक है? हाँ लेकिन सुनीता जी मैं क्या करूंगी इंग्लिश सीख के? अरे यार पिंटू भाभी आप समझ नहीं रहे हो, आपको अगर इंग्लिश नहीं ना आई तो आगे जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सच्ची। बात कुछ समझ में नहीं आई, आगे चलकर तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? मामा जी मतलब मेरा मतलब है कि अगर किसी ने पिंटू भाभी को पूछ लिया कि सुनीता के रहते आपने इंग्लिश कैसे नहीं सीखी, तो मतलब तो मेरी बेइज्जती तो हो ही जाएगी ना। ना ना सुनीता जी मैं आपकी बेइज्जती ना होने दूंगा। मतलब नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी, मैं ना आपकी क्लास में रोज आऊंगी।
हाउ स्वीट पिंटू भाभी सेल्फी ले लो ले लो। अरे मामा के भी ले लिया करो कभी कभी, ऐसी बात थोड़ी ना, हमारा फोटो भी अच्छा आता है। ले यार। अरे इलायची के पापा ये लाइट क्यों चली गई? मैं छुपन छुपाई खेलने का माहौल बना रहा था। सुन जाके छुप जा, जा कहीं छुप जा, जा। क्या है इलायची के पापा तुम भी ना? तू तो नाराज हो गई है। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है संभल के चलियो। अच्छा इतनी फिक्र है मेरी? ना अपनी जान की फिक्र है, कहीं अंधेरे में मेरे ऊपर गिर गई तो तेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। अरे यार ये लाइट क्यों चले गई? पता है कितनी बढ़िया फिल्म देख रही थी मैं अभी पापा, मजा आ रहा था बहुत। बेटा कभी तू ये कहेगी मुझसे आके कि कितनी बढ़िया पढ़ाई कर रही थी और कितना अच्छा लग रहा था? पापा कभी मैंने आपसे कहा कि आके मुझसे कहिए कि क्या लाजवाब मतलब उम्दा कुल्फी बेची आज मैंने? क्या बकवास कर रही है तू है? मैं को तुझसे कहने लगा कि क्या लाजवाब क्या उम्दा कुल्फी बेची मैंने आज, मैं लहंगे बेचता हूँ कुल्फी बेचता हूँ? बस यही मेरा जवाब है पापा। बकवास मत कर बेकार की। जैसे प्रॉब्लम है आपको लाइफ में है नहीं तो? मुझे प्रॉब्लम ना है कुछ। अंकल जी साइड दे दो, मैं भी यही सुनूंगी। यहाँ जा जा बैठ जा। हाय हाय। बेटा सुनीता तू आधे टाइम तो यही रहती है, है? तो अपने आधार कार्ड में मेरे घर का पता लिखवा दे। जी अंकल जी यही का पता लिखवाया है मैंने। इलो सेल्फी बिना लाइट के ले ले। सुनीता जरा टॉर्च दियो मुझे। नहीं अंकल जी मेरी आप दोगे नहीं वापस। अच्छा अपने आधार कार्ड में तो मेरे घर का पता लिखवा दिया है, अब टॉर्च देने से कह रही है कि नहीं दोगे वापस। ला इधर ला ला, बैटरी ना खर्च हो जाएगी इसकी। चल तो रही है। सुन करू मैं बाहर देख के आ रहा हूँ क्या हमारे घर की लाइट गई है या पूरे मोहल्ले ही गई है। हाँ आराम से देखो, टेंशन वाली जरूरत नहीं है। चल हम लोग ताशड़ी खेलते सुनो है। ए, अंताक्षरी खेल रहे हो? हाँ। मैं आ रहा हूँ, मैं भी खेलूंगा, माँ से शुरू करो माँ से। कोई जरूरत नहीं है अंताक्षरी खेलने की। अरे खेलने दे ना, खेलने दे, माँ से शुरू करो। चल शुरू कर देते, किससे गा रही है फिर? कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप सो जाओ। शोर शोर फिल्म के गाने से शुरू करते हैं क्या? अच्छा आइडिया है। कौन सा गाना? एक प्यार का नगमा है। हाँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, गा दो। मौजों की रवानी। अच्छा था हाँ पप्पू, वही 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 देख वही पे पिंकी जी बोल रहे हैं। कहाँ सर कहाँ? अबे मेरी तरफ कहाँ दे रही है लाइट, ऊपर दे वहाँ वहाँ। अरे अरे दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ, खम्बे ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो इसके पीछे पड़ गए तुम तलाशी ले रहे हो? कांड तो किया है छोटे, दरअसल ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि किसी ने जान बूझ कर बिजली काटी है। अब जो भी शरारत करता था, जिसने शरारत की है, उसने कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ा होगा इस खम्बे पर। अरे यार इससे तो बस बकवास करवा लो। मैं ये कह रही हूँ सर कि आप ना इनकी फालतू बात पे विश्वास मत कीजिए। आपको पता है सेठ जी हमारी पुलिस की नौकरी कितनी मुश्किल नौकरी है, अरे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये देखो मैं तो अपना बेलन साथ में लेके घूम रहा हूँ। अबे जब बेलन ही चलाना था तो बंदूक चलाने वाली नौकरी क्यों छोड़ दी और सरकार का पैसा बर्बाद क्यों? 16 लाख। मैं तो ये कह रही हूँ सर कि आप अकेले हो जो बंदूक और बेलन में संतुलन बनाए रखे हो। बिल्कुल सही कह रही हूँ मंगीटू। अरे सुनो एक बात बतानी है, सीक्रेट है सीक्रेट। तू इधर आ। अरे मैं कह रही हूँ तू इधर आ। दरोगा जी हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप बताइए। और इलायची कैसी है? ऐसा है सेठ जी कि अंदर से खबर आई है,
आपको पता है एक फिरंगन है, फिरंगन जो इसी एरिया में घूम रही है, एक नंबर की फ्रॉड है वो। अरे दुकानों में जाके बड़े बड़े ऑर्डर देने का झांसा देके उन्हें लूट के जा रही है, और लोग हैं कि डॉलर और पाउंड के चक्कर में फंसे जा रही है। आपकी दुकान के बहुत सारे लहंगे मुझे बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं रोज आके डिसाइड करूँ, इज दैट ओके विद यू ऑल? सुनो, अगर कोई ऐसी संदिग्ध फिरंगन दिखे तो मुझे आकर खबर दो।